बेंगलोर की रहने वाली शबनम उत्तर प्रदेश के जिला मुरादाबाद में एसएसपी के दरवाजे पर इंसाफ की गुहार लगा रही है, जो अपनी एक महीने की बच्ची को गोद में उठाए दर दर भटकने को मजबूर है। आपको बता दें कि सोशल मीडिया पर प्यार का इजहार करने वाले प्रेमी युगलों में आज एक और नाम उस समय जुट गया जब मूल रूप से बेंगलोर की रहने वाली शबनम अपने ही प्रेमी से बने पति के खिलाफ गंभीर आरोप लगाते हुए एसएसपी मुरादाबाद के दरवाजे पर पहुंच गई। इस बुरखंसी पढ़ी लिखी शबनम ने कैमरे पर बताया कि उसका अफेयर थाना सिविल लाइन क्षेत्र स्थित अगवानपुर निवासी शाहरुख नाम के युवक से 5 साल पहले सोशल मीडिया की साइट फेसबुक के माध्यम से हो गया था और शाहरुख के बुलाने पर वह काफी पैसा और दूसरा सामान लेकर उससे मिलने को गई। पहले तो शाहरुख ने उसे बिना शादी किए ही साथ रखा। जब उससे शादी के लिए दबाव बनाया गया तो उसने अपने घर वालों के साथ मिलकर उसे घर से निकाल दिया, जिसके बाद अगवानपुर में हुई पंचायत के बाद शाहरुख ने उससे निकाह कर लिया। लेकिन उसके बाद शाहरुख के पिता ने भी उसके साथ बदसलूकी शुरू कर दी और हद तो तब हो गई जब महीने पहले हुई जब उसने एक बच्ची को जन्म दिया। उसे शाहरुख ने बच्ची के साथ घर से निकाल दिया और उसका पैसा और सामान भी रख लिया। इस मामले में वह कई दिनों तक न्याय के लिए भटक रही है। वह महिला थाने भी गई थी लेकिन पुलिस उसकी सुनने को तैयार नहीं है। आज वह एसएसपी के सामने अपनी बात रखते हुए आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने के लिए आई है। मुरादाबाद से संवाददाता बाजी दली की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? शबनम। शबनम जी, क्या क्या घटना हुई है आपके साथ? जी, मुझे सोशल मीडिया के थ्रू मोहम्मद शाहरुख नाम का लड़का मेरे साथ 5 साल से रिलेशनशिप में थे और उसके माँ बाप भी मेरे साथ कांटेक्ट में थे। मैं आती जाती थी उसके घर पे और इन्होंने जो भी, मैं बेंगलोर की रहने वाली हूँ, जो भी मेरे पास था सब कुछ लूट के मुझे अभी निकाह करके अपने बेटे के साथ जो भी मेरे पैसे वैसे थे सब लेके अभी एक बच्ची होने के बाद मुझे घर के बाहर कर दिया है सर। सद्भावना हॉस्पिटल मुरादाबाद, मतलब हरतले में मेरा सीजरिंग, वक्त से पहले सीजरिंग ऑपरेशन से बच्ची हुई, बेटी हुई, तो ससुर भी मेरे साथ ऐसे गंदी हरकतें करते थे तो मैंने उसके लिए एक्शन लिया तो मुझे घर से बाहर निकाल दिए गए। ये बच्ची को और मुझे 10 दिन का ऑपरेशन हुआ था, 10 दिन की बच्ची थी, अब मुझे घर से बाहर निकाल दिए गए। मैं इनके घर पे रह रही हूँ तो मैंने अगवानपुर पुलिस, अगवानपुर के रहने वाले हैं, मैंने कंप्लेंट भी की थी, कोई एक्शन नहीं हो रहा। महिला थाने भी गई थी, वहाँ भी कोई एक्शन नहीं। वो लोग आ रहे मतलब खरीद रहे हैं सर, पुलिस को ही खरीद रहे, पुलिस भी कोई कार्रवाई नहीं कर रही। पुलिस उल्टा पैसे लेके उल्टा मुझे, मतलब तो उधर से एसएसपी साहब के पास आई थी मैं पहले, तो इधर से मुझे काउंसलिंग के लिए भेजा गया, उधर वो नहीं आए तो कोई पुलिस एक्शन भी नहीं ले रही। मैं मुकदमा चाह रही हूँ, मुकदमा भी दर्ज नहीं हो रहा, तो मैं फिर से एसएसपी साहब के यहाँ आई हूँ। ना मेरी बच्ची को अपना रहे, ये लोग चाहते डिवोर्स दे दूँ और ये लोग दूसरी शादी, कोई लड़की के साथ अफेयर है इसका तो ये लोग चाह रहे दूसरी शादी कर दे पैसे के लिए। कप्तान साहब ने क्या कहा आपसे? कप्तान साहब ने तो अभी लेटर पे वो क्या, कप्तान साहब ने पूछा, बस काउंसलिंग हो गई तो मैंने क्या, हाँ फ्रेंडशिप थी आपकी फेसबुक पे थी, कितने समय तक रही है? 5 साल से। 5 साल से। लड़का कहाँ का है? ये मोहम्मद शाहरुख अगवानपुर का है, इसके बाप का नाम मतलूब है। फ्रेंडशिप होने के बाद कितने साल के बाद शादी हुई आपसे? 5 साल के बाद शादी के लिए बुलाया गया मुझे, शादी नहीं कर रहे थे इधर अगवानपुर, मुरादाबाद के अगवानपुर। हाँ, तो निकाह नहीं कर रहे थे तो गांव वालों ने 5 साल से मुझे देख रहे थे कि कैसे ये लोग मेरे पास, मैंने इसके अब्बा को रिक्शा दिलाई, इसके लिए गाड़ी, दुकान के लिए पैसे लिए इन्होंने मेरे पास, सब कुछ लेके निकाह नहीं कर रहे थे, मुझे घर से बाहर निकाल दिया था। तो गांव वालों ने मिलके सब मुझे निकाह करवाया गया, पूरे गांव वालों ने मिलके निकाह किया। तो उस दिन से अभी गंदी हरकतें ससुर के चल रहे थे सर, मैंने उसके खिलाफ एक्शन लेना चाह रही हूँ तो कोई मेरी, मुझे इंसाफ नहीं मिल रहा। जहाँ भी जाओ इनके थोड़े होते हैं ना सिफारिश के थ्रू, ये लोग पैसा खिला रहे हैं बस। लड़के के बाप का मतलूब, मतलूब जी। तो आप 5 साल से मुरादाबाद में रहते? 5 साल से नहीं, अभी शादी नहीं कर रहे थे, 5 साल से मेरे साथ इसका रिलेशनशिप थी। तो अभी गांव वाला, अभी 1 साल हुआ सर निकाह होके। तो अब क्या है, वो लड़की को नहीं रखना चाह रहा ना? लड़की हो गई तो मुझे भी, अब मुझे भी बाहर निकाल दिया गया, बच्ची को भी,
और ये लोग चाह रहे हैं मैं किसी तरह डिवोर्स दे दूं और ये लोग दूसरी शादी करें अपने बेटे की। क्या चाहते हो आप? मैं इन पे मुकदमा चाह रही हूँ सर, इन्हें अरेस्ट कराना चाहती हूँ, मेरे साथ बहुत नाइंसाफी हुई है। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.